What's going on guys? आज हम लोग खेल रहे हैं दोबारा से ट्रेल मेकर्स। और गाइज आई नो आप लोगों को ट्रेल मेकर्स का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, तो आज की इस वीडियो में मेरे पास एक बहुत ही ऑसम चैलेंज जिसमें हम लोगों को बनानी है ऐसी कार जो ट्रांसफॉर्म कर सके किसी और कार के अंदर। फ्रॉस्ट भाई क्या बात कर रहे हो भाई, क्या सामने में जो गाड़ी खड़ी है ये ऐसा कर पाएगी भाई? अरे ये डेमो के लिए मैंने खड़ी की है गाइज, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि एक ट्रांसफॉर्मिंग वाली गाड़ी कैसी दिखाई देती है। ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा ये कुछ वैसा ही है यार। एक बटन दबाएंगे अपन लोग और देखो ये गाड़ी भाई एकदम हवा में उड़ने लग जाएगी। अभी आप लोग देख सकते हो एकदम नॉर्मल गाड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ये जमीन पे मस्त चलेगी। और देखो भाई सही में जमीन के ऊपर बहुत ही बढ़िया चलती है। फ्रॉस्ट भाई यार देखने में तो भाई एकदम बैट मोबाइल टाइप लग रही है यार। अरे एक्चुअली में सारी गाड़ियां ऐसी ही होती है। ऑलराइट गाइस अब जो है मैं आपको इसकी सुपर पावर दिखाता हूं, ठीक है? आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं एक बटन दबाता हूं ये देखो भाई अपन लोग उड़ने लग गए हैं ना, जबरदस्त। रुको यार इसका मेरे को आपको सुपर पावर डेमोंस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बस एक सेकंड, पहले मैं गाड़ी को अलाइन कर लूं। अरे रुक जा, अरे ठुक जाएगी। ओ नहीं नहीं अबे उलट गई यार। फ्रॉस्ट भाई उलट गई, मेरे को तो सीधी लग रही है। अरे नहीं नहीं ये उलट गई है, रुको रुको रुको। ऑलराइट गाइस अब देखो, अब दिखाता हूं मैं आपको बूस्टर्स अपन लोग ऑन करेंगे ना तब देखना ये कितनी ज्यादा तेज जाती है। ये देखो ओ भाई क्या है ना, एकदम जबरदस्त गाइस। आई नो थोड़ा अजीब है क्योंकि चक्के ऊपर हो गए, बट स्टिल यार ये हवा में भी उड़ सकती है, जमीन पे भी चल सकती है। तो बेसिकली ऐसा ही आपको कुछ बनाना है। जरूरी नहीं है यार कि आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मिंग व्हीकल बनानी है जो प्लेन बने, बोट बने या कुछ और बने, बस कुछ में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए यार। आप रोबोट भी बना सकते हो। फ्रॉस्ट भाई आप रोबोट बनाओगे क्या ब्रो? अरे नहीं लेकिन मैं कुछ कूल बनाने वाला हूं, मेरे पास कुछ आइडियाज है गाइस, तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में उनको टेस्ट करूंगा और आई होप आप लोगों को भी मजे आएंगे। यार ठुक गई, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज गाइस एक काम करता हूं मैं जल्दी से रिस्पॉन करता हूं और अपन लोग जो है चैलेंज को जो है फटाफट से शुरू करते हैं। एंड हम दोनों के पास है 10 मिनट का समय, आई मीन थोड़ा उससे ज्यादा भी लग सकता है। एनीवेज अब सीधा आपसे मिलता हूं गाइस मैं अपनी क्रिएशन को बना करके। चॉप रेडी हो जा मेरे दोस्त, लेट्स गो एंड डू सम ऑसम बिल्डिंग। ऑलराइट गाइस टाइम इज अप और अपन दोनों को अब सबमिट करना है जो भी काम हम लोगों ने बनाया है। सबसे पहले क्या करना चाहेगा तू चॉप? फ्रॉस्ट भाई पहले मैं अपनी गाड़ी दिखाऊंगा भाई, मैंने बहुत मस्त चीज बनाई है और इस बार सच्ची में मैंने ही बनाई है भाई। ऑलराइट ठीक है भाई, लगता है चॉप बहुत प्रैक्टिस करके आया है, तो चल मेरे शेर अपना जादू दिखा भाई, जल्दी से निकाल अपनी गाड़ी। ऑलराइट फ्रॉस्ट भाई आप देखते जाओ मेरी गाड़ी, आप देख के हैरान हो जाओगे भाई। अरे अरे पहले निकाल तो यार, पहले ही बहुत ज्यादा डींग मार रहा है ये। फ्रॉस्ट भाई ये देखो भाई कैसा लग रहा है, मेरा डिजाइन अच्छा है कि नहीं भाई? अरे ये तो क्या बना दिया भाई तूने, भाई ये तो पूरा टैंक लग रहा है भाई। मेरे को ये बताइए ट्रांसफॉर्म किस चीज के अंदर करती है? फ्रॉस्ट भाई आप इसको पानी में ले जाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा भाई। ओ माय गॉड गाइस इसके ऊपर कैनन वगैरह भी लगा हुआ है, डोंट टेल मी कि भाई तूने बनाया है। फ्रॉस्ट भाई ये बहुत सिंपल था बनाने में भाई, भले बहुत मस्त लग रहा है देखने में लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल था भाई। ऑलराइट गाइस पहली बार चॉप ने कुछ बनाया है तो मैं बेइज्जती नहीं मारूंगा, चलो फटाफट से इसको पानी में लेकर के चलते हैं। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला बटन नहीं दिख रहा है मेरे को। फ्रॉस्ट भाई अभी आप पानी में तो ले जाओ। अरे गाड़ी फूट गई, रुको 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 भाई एक सेकंड, पूरा का पूरा इंजन ही तोड़ दिया मैंने। ओ ये तो पानी में चल रही है, व्हाट भाई यही है क्या तेरी कार? फ्रॉस्ट भाई मैंने बोला था ना लेकिन ये तो ट्रांसफॉर्म करती ही नहीं है ब्रो, अपन लोग को तो ट्रांसफॉर्मिंग व्हीकल बनानी थी। फ्रॉस्ट भाई देखो मैं इतना प्रो नहीं हूं भाई कि मैं व्हीकल में कुछ चेंजेस कर सकूं, तो इसलिए मैंने गाड़ी को ऐसा बना दिया कि ये पानी में भी चल सके और जमीन पे भी भाई। लेकिन फिर भी यार चलो गाइस इतना तो चॉप ने किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। एंड कंसीडरिंग भाई कि कितना अच्छा कंट्रोल कर रही है ये, भाई तूने ना लिटरली भाई इस बार ढंग के सामान को यार इन्वेंट किया है, नहीं तो मैंने तो सोचा था तू इस बार भी कुछ कबाड़ी करने वाला है। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो काफी पावरफुल कैनन फिट किया है भाई इसने। अबे भाई अपन लोग तो इसको GTA ऑनलाइन में भी यूज कर सकते हैं यार, बंदों से अगर कभी जंग हो जाएगी ना तो अपन लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो भाई पूरा समुंदर टाप गए अपन लोग। फ्रॉस्ट भाई मैंने बोला था ना कि मेरी गाड़ी बहुत अच्छी है, देख रहे हो भाई एक काम करो आप उस बास्केटबॉल वाले चीज को मार के गिराओ भाई। अच्छा अच्छा रुक 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 मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेता हूँ गाइस, और आप लोग देख सकते हो ऊपर का टरेट भी घूमता है भाई, अच्छा इसने काम किया यार, पहली बार बोलना पड़ेगा फॉर्मूला वगैरह लगता है इस बार सही बैठाया इसने। और ओ भाई बॉल गिरने वाला है, बस एक और शॉट गाइस, कम ऑन, अरे लग जाना भाई, यस। ओ भाई अरे अरे मेरा कैनन ही टूट गया, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? फ्रॉस्ट भाई जल्दी रिपेयर मारो भाई और चलो अपन लोग लड़ाई करें क्या? फ्रॉस्ट भाई अच्छा तू बोल रहा है इस कैनन से लड़ाई करेगा क्या? अरे फ्रॉस्ट भाई कुचल के मारोगे क्या यार, दो मिनट तो दो मेरे को भी तो अपना कैनन स्पॉन करने दो। ऑलराइट गाइस लगता है चॉप भी अपना टैंक यहां पर स्पॉन करेगा, तब तक अपन लोग यहां पे थोड़ा गेड़ी वेड़ी मारते हैं। और देखता हूं एक चीज मेरे को देखना है, क्या ये मिट्टी में चल पाएगी? ओ भाई ये तो ATV टाइप है भाई, ऑल टेरेन व्हीकल। ब्रो तूने यार सही में कुछ अच्छा बनाया, इस बार मैं तेरे को अच्छी रेटिंग दूंगा। ऑलराइट ब्रो चल चल
चल चल लड़ाई शुरू हो चुकी है यहाँ पे, जल्दी से आज आप मेरे को डिस्ट्रॉय करके दिखा दे। फ्रॉस्टी भाई आप एक बार सामने तो आओ, अरे मेरे को मार दिया भाई आपने। ओ नहीं 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 रिस्पॉन्ड नहीं करना है, अबे चीटिंग करता है तू तो। फ्रॉस्टी भाई नहीं आपने ऐसा रूल ले रखा था भाई। अच्छा ठीक है एक और रिस्पॉन्ड करने दूंगा मैं तेरे को, लेकिन इसके बाद नहीं करना है भाई, रिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कौन जीत रहा है। ऑलराइट फ्रॉस्टी भाई आप तो पीछे से आ गए, अरे अरे मार दोगे क्या भाई यार, फिर से मार दिया आपने मेरे दोस्त। अरे एक गोली लगा दी भाई इसने, रुक अभी कहां जा रहा है, ये लगा उसको। ओ भाई डायरेक्ट अटैक। फ्रॉस्टी भाई अब तो मैं कैनन चला ही नहीं पा रहा हूं भाई, आपने तो मेरा कैनन ही फोड़ दिया। लेट्स गो गाइस अपन लोग ये मैच जीतेंगे। यस एक गोली और लग गई, अब बस एक और बार मारना है एंड आई थिंक चॉप अपनी गाड़ी को आगे भी नहीं बढ़ा पाएगा। अबे उधर कहां जा रहा है, सामने आना। फ्रॉस्टी भाई आपसे बचने में ही फायदा है भाई, आप तो मार मार दोगे मेरे को। अरे बाप रे बचाओ भाई को मेरे को। भाई कहाँ भाग रहा है ये, मेरे पीछे क्यों आ रहा है। और एक और गोली, अब आई डोंट थिंक ये मूव कर सकता है, अब तो तू हिल भी नहीं सकता है भाई। भाई मजा आ गया यार, मानना पड़ेगा चॉप मैं तेरे को दूंगा भाई 10 में से 10। फर्स्ट टाइम तूने कुछ अच्छा बनाया है, लेकिन यार ऑल दो भाई मैं इसको लुक्स के लिए तो अच्छी रेटिंग दूंगा ही, लेकिन स्पीड इसकी जो है वो थोड़ी स्लो है, तो 10 में से मैं 8 दूंगा स्पीड के लिए। और भाई कंट्रोलिंग है मेरे को सही सही लगी, तो इसलिए मैं इसको 10 में से 6 दूंगा। ठीक है, सो एनीवेज गाइस ये थी चॉप की टोटल रेटिंग, और आप लोग देख सकते हो चॉप का अपन लोग ने कचूमर बना दिया यहाँ पर। फ्रॉस्टी भाई मैं आपसे बदला जरूर लूंगा भाई, लेकिन अभी आप मेरे को अपनी गाड़ी दिखाओ भाई। अच्छा अच्छा दिखा रहा हूँ तो पहले रिस्पॉन्ड कर जा, फिर मैं दिखाता हूँ तेरे को अपनी कार। और गाइस आप लोग रेडी हो जाओ क्योंकि मेरी गाड़ी ना बहुत ऑसम होने वाली है, पहले इसको डिलीट करो यार। लेडीज एंड जेंटलमैन आई प्रेजेंट टू यू द ट्रांसफॉर्मर। फ्रॉस्टी भाई ये ट्रांसफॉर्मर तो नहीं लग रहा है भाई मेरे को। अबे मेरी गाड़ी क्यों तोड़ रहा है भाई, ये देखो क्या कर दिया तूने, अबे आराम से नहीं लैंड कर सकता है क्या। फ्रॉस्टी भाई आपकी गाड़ी कितनी ज्यादा यार नाजुक है भाई, 2 सेकंड में टूट जाती है। अरे रुक भाई रुक, मेरे को 1 सेकंड दिखाने दे पहले ये गाड़ी करती क्या है। ऑलराइट सो गाइस इस गाड़ी की सबसे खास बात ये है कि ये ट्रांसफॉर्म कर जाती है एक ह्यूमनॉइड में, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप लोग देखना ये देखो भाई, मैंने बोला था ना कि मैंने बना दिया सबसे कूल चीज, अपन लोग हवा में भी उड़ सकते हैं ना, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर्स लेवल गाड़ी है। अरे फ्रॉस्टी भाई ये क्या बना दिया, बाप रे बाप भाई साहब ये तो भगवान लेवल चीज बना दी भाई आपने, अब मजा आ गया भाई देख के। अबे तूने भी तो बहुत अच्छा सामान बनाया यार, लेकिन मेरा क्रिएशन ऑब्वियसली गाइस जॉब से एक लेवल अच्छा होता है। देखो आप लोग ट्रूली कमेंट्स में बताना आपको किसका ज्यादा अच्छा लगा, मेरे को पर्सनली भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बहुत रेयरली ऐसी कार देखने को मिलती है भाई जो ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट हो जाए, और अपन लोग ऑप्टिमस प्राइम के जैसा जहां चाहे वहां गोलियां मार के बंदे उड़ा सकते हैं, जितनी मन उतनी तबाही मचा सकते हैं, और हम लोगों को रोकने वाला कोई भी नहीं है। फ्रॉस्टी भाई मेरे को भी एक गाड़ी दो रे यार, मेरे को भी आपसे लड़ाई करनी है भाई। अरे रुक 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 मैं भी दे रहा हूं। ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अरे भाई सब केकड़ा बन गया ये। फ्रॉस्टी भाई ये क्या कर दिया आपने भाई। अरे नहीं नहीं ये एक और मोड है, देख 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 जब मेरी गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है ना तो अपन लोग क्रॉलिंग मोड एक्टिवेट कर देते हैं, और उससे क्या है मेरी गाड़ी रेंगने लगती है ताकि दुश्मन हमें डिटेक्ट ना कर पाए। फ्रॉस्टी भाई ये सही में कोई मोड है क्या, आप मजाक कर रहे हो भाई, फेलियर आप छुपा रहे हो अपनी कार का। अरे एक्चुअली में गाइस ये बग है, लेकिन कोई बात नहीं अपन लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बग ठीक हो जाएगा। तू ये कार ले मैं अपने लिए दूसरी स्पॉन कर लेता हूं। ओके गाइस मेरी गाड़ी यहां पर हो चुकी है स्पॉन, और चॉप ने भी जो है अपना ट्रांसफॉर्म कर लिया है, सो लेट्स गो एंड हैव अ फाइट। अरे मेरे क्यों ठुक गए, अबे यार मेरी क्या किस्मत है भाई, लड़ाई शुरू होने के पहले ही मैं डैमेज हो गया। फ्रॉस्टी भाई आपको रिस्पॉन्ड करना है तो कर लो भाई, मैं आपको एक मौका देता हूं, जाओ भाई मैं भी आपसे चाहता हूं एकदम फेयर एंड स्क्वायर लड़ाई करना। फ्रॉस्टी भाई आ जाओ। ऑलराइट गाइस लगता है चॉप को जो है अब टाइम है सबक सिखाने का, कहां गया। अच्छा तू भी रिस्पॉन्ड कर गया। फ्रॉस्टी भाई मैं आपसे थोड़ा दूर रिस्पॉन्ड हुआ भाई, चलो शुरू कर दो भाई मारा मारी। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, चॉप ने यहां पर दे दिया है अपन लोग को डायरेक्शन एंड लेट्स गो एंड फायर इट आउट। अरे भाई साहब गोली क्यों नहीं लग रही इसको। फ्रॉस्टी भाई मैं अभी आपको मारना शुरू करूंगा तब आपको पता चलेगा भाई गोली कैसे मारते हैं। अरे भाई मेरी गोली अब बहुत क्लोज जा रही है यार इसके, लेकिन लग नहीं रही है। अभी ये पीछे क्यों जा रहा है, आगे चलना। ऑलराइट गाइस अभी टाइम है थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड गेन करने का ताकि मैं चॉप को मस्त मार पाऊं यहां पर से। कम ऑन चल 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 उसके पास चल। अरे ठुक गया भाई, तेरे से नहीं चल रहा क्या। अरे नहीं नहीं फ्रॉस्टी भाई वो क्या है थोड़ा बुरा यार, मतलब पैर फिसल गया था मेरा, इस बार देखो मैं आपको कैसे चटनी बनाता हूँ। ओ भाई बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है तू है, लेकिन एक गोली लगेगी नहीं कि तेरी सारी हवा बाहर निकल जाएगी। आजा भाई आजा लेट्स गो, आज कहां नीचे कहां छुप रहा है। ओहो भाई बहुत क्लोज जा रही है। गाइस आप लोग कमेंट में लिखो आपको क्या लगता है ये सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली बैटल कौन जीतेगा। अभी क्या अपने लाइक्स और कमेंट्स नीचे ड्रॉप कर दो, अपन लोग यहां पर लड़ाई कर रहे हैं, बहुत फियरसम बैटल हो रही है, देखने में मजा आएगा कौन जीतता। ओ भाई नीचे से मारता है। अबे रुक यार तू पहले मेरे हाइट पे तो आ जा। रुको गाइस मेरे को ही नीचे जाना पड़ेगा। कम ऑन एक गोली लग जा भाई, बहुत क्लोज है अपन लोग जीतने के। फ्रॉस्टी भाई अगर एक भी गोली लग गई तो यार अपन दोनों मर जाएंगे। ओ भाई एक और, कम ऑन यार भाई बहुत क्लोज थी। कम ऑन जल्दी जल्दी एक गोली और मार लिया, ये तो गया। और
अरे भाई सच्ची में फूट गया। फूट भाई ये क्या भाई, इजेक्ट मैकेनिज्म लगा दिया यार आपने, मैं तो हवाई में उड़े जा रहा हूँ। अरे कोई रोको मेरे को यार। तू निकल गया क्या, सही में चला गया भाई आसमान में? वो हेलो सर जी, अरे नीचे आ जाओ यार, नहीं मारूंगा वादा करता हूँ भाई। इतना क्या गुस्सा हो गया फ्रॉस्ट भाई? यार मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ यार, मेरे को कोई नीचे उतारो, सच्ची बोल रहा हूँ यार, मैं आ ही नहीं पा रहा हूँ। आपका क्या घटा रहा है इजेक्ट सिस्टम में भाई? अबे मेरा इजेक्ट सिस्टम तो मैंने गाड़ी में लगाया ही नहीं है भाई। तेरा गाड़ी ऐसा फूटा कि तू एक बूस्टर लेके निकल गया। एनीवेज गाइस, आपने देखा मैंने कितना अच्छे से एम करके यार चॉप की कार को यहाँ पर तबाह कर दिया। वैसे लेकिन मानना पड़ेगा भाई ये गाड़ी है बहुत ही ज्यादा औसम। ऊपर से देखो भाई कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं आसमान के बीच में। लेट्स सी क्या पर लोग रुक पाते हैं। नहीं ओ भाई रुक जा ओ बच गया भाई, एटलीस्ट मैं मरा तो नहीं। तो आप लोग देख सकते हो गाइस ये काफी ज्यादा केपेबल है भाई, इसको बनाने में मेहनत लगा है बहुत। फ्रॉस्ट भाई आपका पैर को क्या हुआ, आप लंगड़ा होकर क्यों घूम रहे थे? अरे वो सब बातें इग्नोर कर, देख छोटा मोटा दिक्कत आते रहता है यार, ऐसे तू हर चीज को पॉइंट करते रहेगा। ऑलराइट चॉप, अब बता तू मेरी गाड़ी को कितने में से कितने पॉइंट्स देना चाहेगा मेरे दोस्त? फ्रॉस्ट भाई वैसे सच बोलूं तो आपकी गाड़ी मेरे को लगी बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैं इसको लुक्स के लिए भाई सच्ची में 10 में से 10 दूंगा भाई। कंट्रोलिंग भी ठीक ठाक थी, 10 में से 9 दूंगा भाई। और स्पीड भाई उतना कुछ खास नहीं लगा मेरे को फ्रॉस्ट भाई। अरे स्पीड मायने नहीं रखती है लेकिन ठीक है फिर भी तू दे दे। फ्रॉस्ट भाई मैं आपको स्पीड में से 10 में से 7 नंबर दूंगा फ्रॉस्ट भाई। ऑलराइट गाइस, तो आप लोगों के सामने है मेरी रेटिंग्स। आई थिंक मेरे को टोटली चॉप ने 26 नंबर दिए है आउट ऑफ 30, जो कि बहुत अच्छा है। लाइक मेरे को लगता है पर्सनली मेरा हाईएस्ट था अभी तक का। तो आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया अपन लोग ने परफॉर्म किया इस चैलेंज को। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से सभी को समझ में आ गया होगा कि इस राउंड का विनर कौन है। ऑब्वियसली मैं हूं यार। और ये देखो भाई मैं अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ा हो सकता हूँ। फ्रॉस्ट भाई ये कैसे किया आपने भाई, गाड़ी के अंदर तो कोई है भी नहीं, आप तो एकदम भगवान टाइप लग रहे हो भाई। अरे देखा मैंने बोला था ना कि ये गाड़ी बहुत कूल है। देखो भाई मिड एयर में अपन लोग पार्क कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी और मैं किसी भी बंदे को गाड़ी से निकल के स्नाइप कर सकता हूँ। एनीवेज गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स वॉचिंग, मिलता हूं आपसे बाद में। स्टे फ्रॉस्टी।